अस्सलामुअलैकुम जी, यहाँ स्वीट डिश में कस्टर्ड बन रहा है बनाना टेस्ट का। आज मैं ये बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 चम्मच ले लिए ये कस्टर्ड के और मैंने हाफ प्याली दूध ले लिया है। दूध आपने नॉर्मल लेना है। इसमें हम अच्छे से कस्टर्ड को घोल रहे हैं। इधर जी मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब मिल्क रख लिया है। इसको अच्छे से बॉयल आ रहा है तो इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी तकरीबन 1 प्याली के करीब। फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर लेंगे। कस्टर्ड जी हमारा रेडी हो चुका है। अब ये गर्म है, अब हमने इसको ठंडा करना है। अब ये बर्तन ले लिया मैंने, इसमें हम इसको डालेंगे हाफ और साथ ही ये मैंने केक ले लिया, इनका चूरा मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी जी। मैंने इसमें हाफ ऐड कर लिया है। अब जी हम इसमें केक ऐड कर रहे हैं इस तरह से चूरा चूरा करके। मैं दोनों केक इसमें इस तरह से एंटर कर लेने हैं। अब जी मैंने एक बनाना कट कर लिया, वो मैं अब इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। देखिए जी अब इसके ऊपर बनाना आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, आप 2 से 3 भी ले सकती हैं। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया बनाना। अब उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर केक ऐड करने लगे हैं। ये दोबारा केक ऐड हो रहा है। आप केक और फ्रूट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमने फुल कवर कर लेना है दोबारा केक की तह से। जी हमने जो बाकी का कस्टर्ड ठंडा किया है बचाया हुआ था वो अब हम इसके ऊपर ऐड करने लगे हैं। इसको पूरा कवर कर लेंगे। देखिए जी इस तरह से पूरा इसको कवर करेंगे और ये सारा इसके ऊपर ऐड करेंगे हम। अब जी मैं स्प्रिंकल्स इसके ऊपर ऐड कर लूँगी थोड़े से डेकोरेट के लिए। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप जो है इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख लें, उसके बाद आप नीचे इसको फ्रिज में रख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जल्दी ठंडा हो जाएगा इस तरीके से। अब जी अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी इस तरह से डेकोरेट करने लगे हैं। चलिए जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये यम्मी सा कस्टर्ड बन के रेडी है। सिंपल सा इजी तरीके से जी हमने कस्टर्ड बना के रेडी कर लिया है। आप अफ्तार में मीठा भी ज़रूरी है तो सब इंजॉय करते हैं मीठे को भी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी में। उम्मीद है कि सिंपल सी बजट के साथ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।